नमस्कार। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के विश्वास पात्र बस्तर सपूत केदार कश्यप आज दुर्ग आए हैं। केदार कश्यप कैबिनेट मंत्री, संसदीय कार्य, जल संसाधन, वन और सहकारिता मंत्री। आज हम उनसे बात करते हैं कुछ अलग अलग विषयों में। केदार जी, छत्तीसगढ़ में हाथी जंगल से भटक के अब शहरों में आ रहा है, खासकर पशु भी आते जा रहे, जानवर भी आते जा रहे हैं, लोगों को डर लग रहा है। हाथी को रोकने के, इनको रोकने के लिए क्या उपाय वन विभाग कर रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है, यहाँ के वन हैं, वो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ यदि हम बात करें, हाथियों के विचरण के लिए, उनके रहवास के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए लगभग 375 से ऊपर हाथियों का ये दल हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में विचरण करता है, रहवास करता है। और निश्चित तौर से हाथी मानव द्वंद को कम करने की दृष्टि से माननीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा हाथी मित्र दल हो, चाहे फिर हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग के माध्यम से हो, और हाथी के गोट के माध्यम से रेडियो का उपयोग हो, अनेकों ऐसे उपाय जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित कर सके, और इसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली है। हमारा आज यदि हम महासमुंद क्षेत्र, गरियावन क्षेत्र की यदि हम बात करें, तो वहाँ पर हाथी मानव द्वंद शून्य हो चुका है, और हमारे पूरे प्रदेश में हम इसको और तीव्र गति से हम बढ़ा रहे हैं ताकि स्थितियाँ और पहले से बेहतर हो सके। छत्तीसगढ़ में जो बलौदाबाजार में 2 महीने पहले घटना हुई थी, आगजनी की गई थी, सतनामी समाज नाराज है, अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं, आपके विचार? बलौदाबाजार में जो घटना घटित हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी घटना हमारे छत्तीसगढ़ में दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर के लोगों को उद्वेलित करने का कार्य किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जितनी भी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार में, सब योजनाओं को नाम बदल दिया जा रहा, बंद कर दिया जा रही है आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में। पूर्व मुख्यमंत्री की कितनी योजनाएँ थी, केंद्र की योजनाओं को नाम बदल करके, और उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और जहाँ तक योजनाओं की बात है, तो केवल नाम बदलने से उसका काम नहीं बदलता। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, 5 साल में एक भी काम नहीं कर पाए, एक भी योजना जमीनी स्तर पर लेकर नहीं आए। क्रियान्वयन की स्थिति बहुत ही बदतर थी, और उसके कारण से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और माननीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कौशल्या देवी सुपर सीएम छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में कितने सीएम हैं पब्लिक समझ नहीं पा रही। एक तो विष्णु देसाई मुख्य सीएम है, राजपत्नों का नाम है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ओपी चौधरी भी हैं, ये पब्लिक कह रही है, और इसके बारे में? देखिए, कोई पब्लिक नहीं कह रही है, और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता है, 3-3 बार उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन किया, सांसद रहे, विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, आज मुख्यमंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं, और दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक हैं। और आज उनके कारण से, चाहे वो अपराधियों के ऊपर सीबीआई का कार्रवाई हो, चाहे वो अपने यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुए थे उनको रोकने के लिए जो कदम है, वो हमारे माननीय विष्णु देसाई जी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की तरह नहीं, अब मैं उसको विषयांतर नहीं करना चाह रहा, बहुत सारे ऐसे विषय जो पब्लिक में सुनाई पड़ते थे और हम लोगों ने देखा है, वो उस तरीके से छाता पकड़ के हम सुपर सीएम की बात नहीं करते। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश का बेहतर तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं और जनहितकारी योजनाओं को लागू करा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दीपक बैज ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल को दूध
से निकाल के मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया सांसद बना के, यानी उनका राजनीतिक करियर छत्तीसगढ़ से चौपट कर दिया गया। किसने कहा? दीपक बैज, आप ही के बस्तर के युवा भाई। दीपक बैज पूरी तरीके से पीटे हुए हैं। पहले उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। विधानसभा में उनके नेतृत्व में हार हुई, लोकसभा में उनकी जिस तरीके से बुरी गत हुई, और अब आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें और इनकी दुर्गति होगी। पहले अपनी पार्टी को संभालें, उसके बाद दूसरे पार्टी के बारे में बात करें। जहां तक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की बात है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे प्रदेश के नेता हैं। आज वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच करके हमारे छत्तीसगढ़ की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और पद और दायित्व तो हमेशा परिवर्तित होता है, कोई एक व्यक्ति हमेशा एक पद का निर्वहन नहीं करता। और ये तो भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता को पहचानती है और एक एक कार्यकर्ता को उस स्थान तक लेकर के जाती है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता के महत्व को समझने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस की तरह नहीं जो गांधी परिवार के पीछे भागता हुआ नजर आए। लोकसभा में 11 सीट में 10 सांसद जीत के दिल्ली गए, एक सीट हारना कोरबा सरोज पांडे का, क्या पार्टी के नेता काम नहीं कर पाए, क्या दिशाहीन हो गए थे? देखिए, जो पहले की स्थिति थी, और पहले भी हम कभी 9 कभी 10 इतने सीटों पर हम लोगों ने विजय हासिल किया, और छत्तीसगढ़ ने 11 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। एक सीट हम कुछ मार्जिनल वोट से हम हारे, और किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने पूरे देश में वातावरण बनाया कि माननीय प्रधानमंत्री 400 सीट जीत करके आएंगे तो संविधान में परिवर्तन कर देंगे। उनको ये नहीं मालूम कि संविधान बनाना जितना कठिन है, संविधान को बदलना उतना कठिन है। तो ये किस तरीके से लोगों को केवल और केवल धोखा दे करके, उनको बरगला करके वोट लेना जानते हैं, और उन्होंने कोशिश की और बहुत कुछ वो सफल भी हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब आगे बढ़ते नजर आ रहे, सदन में भी और पब्लिक के बीच में भी, यानी नीट का मुद्दा हो और तमाम मुद्दे हो, खासकर एक मोची की दुकान में रुक के उस मोची की व्यथा सुनी और 24 घंटे के अंदर एक अच्छी मशीन उनको दी, जिन्होंने पूरे देश में 50 वर्षों से ऊपर सरकार संभाली है। और यदि वो गरीबों की बात करते हैं, गरीबी मिटाने की बात करते हैं, केंद्र की जितनी योजना है उनकी यहाँ पर सरकार रही। उन आयुष्मान भारत को लेकर के इनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे, कहाँ है यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम? प्रधानमंत्री आवास की क्या गति करके रखी थी इन लोगों ने, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी तो जिस तरीके से इनके राजकुमार जो हमारे देश विरोधी तत्वों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, ये पूरा देश दिखाई देखता है। राजकुमार कौन? राजकुमार कौन है ये तो कांग्रेस के लोग ही बता पाएंगे। आप ये राजकुमार कहे थे, आगे नाम तो राजकुमार, राजकुमार मतलब राहुल गांधी। और उनको उन्होंने जिस तरीके से अभी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में जो इनकी स्थिति है हिंडनबर्ग के को लेकर के जो उन्होंने प्रस्तुत किया, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और देश इस सब पूरे इनकी नौटंकी को देख रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता उप मुख्यमंत्री पूर्व सिंहदेव साहब चाहते हैं कि मुझे अब संभालना बागडोर छत्तीसगढ़ की। भूषण अग्रवाल जी कहते हैं छत्तीसगढ़ में सोनिया कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस है, प्रियंका कांग्रेस है, भूपेश कांग्रेस है, दीपक बैज कांग्रेस है, सिंहदेव कांग्रेस है, आपके विचार? कांग्रेस जब से बनी है एक परिवार के प्रति उनकी आस्था निष्ठा, उसके कारण से जो लोग उस व्यवस्था के खिलाफ में रहे उन्होंने समय समय पर अपनी अलग पार्टी बना ली। कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस ई, ना जाने कितने प्रकार के, जितने अल्फाबेट थे उतने अल्फाबेट पे वो कांग्रेस बढ़ती नजर आई। और आज यदि यहाँ पर भी यही स्थिति है, और यदि माननीय टी एस सिंहदेव जी को हमारे शुभकामना है,
पिछले 5 वर्षों में हम सोच रहे थे कि 2.5 साल का कार्यकाल उनके साथ होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति थी और वो चुप्पी साध के बैठे रहे, ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। केंद्र में भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, महादेव ऑनलाइन सट्टा कब बंद होगा? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 2023 में जीत के आई है, तब बहुत हल्ला करते थे आप ही के पार्टी के नेता लोग कि महादेव सट्टा ऑनलाइन कांग्रेस की देन है, कब बंद होगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, महादेव सट्टा ऐप पे लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जल्द से जल्द जो दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और वो जेल के सलाखों के अंदर होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में हमारे युवाओं के को लेकर के जो भी इस तरीके से गतिविधि में सम्मिलित रहेगा उनको कभी नहीं बख्शा जाएगा और जिन लोगों ने ऐसे असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित करने का काम किया, उनको संरक्षण देने का काम किया, उसको भी छत्तीसगढ़ जनता ने उनका रास्ता दिखा दिया है। आपके पास कई विभाग हैं, इतनी जिम्मेदारी है, आपकी आगे वाली कोई योजना ताकि मतदाताओं के लिए और शासन के लिए बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी क्या योजना? बहुत सारी योजना है और अभी तो हम माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक वृक्ष माँ के सम्मान में इस गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश पे लगभग 4 करोड़ वृक्षारोपण किए जाने हैं और भी बहुत सारे से इको टूरिज्म बोर्ड का गठन हम लोग करने वाले हैं और उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सिंचाई के उसमें हमारी जितनी भी योजनाएं जो बहुत समय से लंबित है और उन योजनाओं को पहली प्रायोरिटी में हमको पूरा करने का हम तय किए हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के संदर्भ में मैं यदि विभाग के अलग से बैठ होगी तो मैं उसमें अपना विचार व्यक्त करूँगा। आपने कहा एक पेड़ माँ के नाम, पूर्व विधायक कांग्रेस गुलाब कमरो ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, 70 लाख पेड़ काटो अडानी के नाम, आपके क्या विचार? देखिए, कोई भी यदि प्रदेश के यदि विकास के लिए कुछ यदि इस तरह की स्थिति आती है और जहाँ तक यदि हम पेड़ काटेंगे तो उससे कई गुना पेड़ हम लगाएंगे, उस जो भी होगा उससे उसकी राशि वसूली जाएगी और वृक्षारोपण के काम को और तेज़ी दी जाएगी, वनों को और सघन किया जाएगा। कांग्रेस की तरह नहीं, जो कहते कुछ रहे और करते कुछ है, इन्होंने कभी भी इस विषय को लेकर के गंभीरता नहीं रही और स्थिति ऐसी रही कि इनके लोग बयानबाजी करते रहे लेकिन कभी उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार तक नहीं किया। सड़क में घुमंतू पशु गाय विचरण कर रहे हैं, कांग्रेस कल से अभियान करेगी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पकड़ के अब गौठान में पहुंचाएंगी। 5 साल तो कुछ कर नहीं पाए, 5 साल के बाद जनता ने उनको कुछ काम दिया है तो हमारी शुभकामनाएं हैं। केदार कश्यप वन मंत्री, छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया, माधव सट्टा ऑनलाइन सतनामी समाज के साथ जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी जो सरकार है विष्णुदेव सरकार है समाज हित के लिए काम करती है। मंत्री केदार कश्यप का यह कथन कांग्रेसियों को कितना फायदा देगा ये तो बताएगा। साथ ही साथ उन्होंने दीपक बैज को अल्फा बेटा और दिशाहीन नेता कहा, यानी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अल्फा बेटा और जितनी नाम लिया जाए उतना कम है, ये तो समय बताएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को दिशा कौन नेता देगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।